आ चुके हैं, तमाम जो नेता है बड़े वो उनके स्वागत में हैं। राहुल गांधी का देखना देखिए बाहर जो है, ये देखिए राहुल गांधी जो है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, राहुल गांधी जो है उत्तर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए 3 दिन अब राहुल गांधी जो है उदयपुर में रहेंगे और राहुल गांधी जो है वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। 3 दिन चिंतन होगा, अब इस 3 दिन चिंतन में क्या कुछ मंथन निकलेगा देखिए। यहाँ पर जो है देखिए राहुल गांधी देखिए देखिए राहुल गांधी जो है जो यूथ यहां पर पहुंचा है आए हैं बस के अंदर जो हैं वो बैठ गए हैं और तमाम जो नेता जो उनके साथ आए हैं देखिए राहुल गांधी सामने सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी बिल्कुल सामने खिड़की के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सीट के ऊपर राहुल गांधी जो बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। दिल्ली से देखिए यहाँ से बस जो है वो रवाना हो रही है, राहुल गांधी जो है और कहीं ना कहीं देखिए बस जो चिंतन शिविर जो नव संकल्प शिविर है कांग्रेस पार्टी का उसमें लेकर तमाम नेताओं को लेकर जाएगी और राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल फ्रंट सीट पर वहाँ देखिए बस रवाना हो चुकी है, राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या होगा क्योंकि देखिए संगठन के चुनाव जो है वो घोषित हो चुके हैं और ज़्यादातर नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं वो एक बात चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान अपने हाथ में ले। देखिए शिविर स्थल के लिए यहाँ से राहुल गांधी रवाना हो रहे हैं। देखिए राहुल गांधी इसी बस में इसी के सामने खिड़की के अंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए देखिए राहुल गांधी है, राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत बैठे हैं फ्रंट सीट के ऊपर। अशोक गहलोत को जो है वो मौका दिया गया है और बाकायदा चर्चा भी क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है। देखिए पीछे भूपेश बघेल जो है वो पीछे है, रघुवीर मीणा जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता जो हैं वो बड़े जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। देखिए एक तरीके से चिंतन शिविर का जो नव संकल्प शिविर है कांग्रेस पार्टी का उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। यहाँ युवाओं में आप जोश देख सकते हैं किस तरीके से उदयपुर की धरा पर, क्योंकि युवा सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं को में जिस तरीके से जोश दिखाई दे रहा है साफ तौर पर चिंतन शिविर और जो नव संकल्प शिविर है उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं में उत्साह है। ज़्यादातर जो है यूथ यहाँ पहुँचा है, ज़्यादातर यूथ यहाँ मौजूद है और देखिए डेलीगेट्स जो हैं वो
ज़्यादातर क्योंकि यूथ हैं, ये यूथ डेलीगेट है सारा, और क्योंकि इस बार 50% से ज़्यादा युवा, 50% क्योंकि युवा होंगे, और पार्टी कैसे बढ़ सके, कैसे यूथ जो है देखिए, 3 बसें लगी है क्योंकि ये डेलीगेट्स जो हैं पूरे देश से यहाँ पहुँच रहे हैं, और देखिए बस में बावर जितेंद्र भी बैठे हैं, और तमाम नेता जो हैं वो चिंतन से लगी आप लोग।